सच साहस सरोकार। हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही महिलाएं, बदल रही है उनसे जुड़ी सोच, वेबिनार में बोले पीएम मोदी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, भारत ने कोरोना महामारी के दौरान की थी 150 देशों की मदद, भेजी थी दवाइयां। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर 11 घंटे बाद खत्म हुआ ईडी का छापा। रक्षा बलों ने धूव हेलीकॉप्टर के संचालन पर लगाई रोक, आपात लैंडिंग के बाद लिया गया फैसला। ऑस्ट्रेलिया से खालिस्तानी समर्थकों पर होगी कार्रवाई, अल्बनीज ने पीएम मोदी को दिया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के मेरठ में 11 से 13 मार्च तक आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होगा। पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम योगी पीटीएस में धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अलीगढ़ में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ विवादित पोस्ट शेयर करने का एक मामला सामने आया है। अलीगढ़ के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कराई है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। पोस्ट शेयर होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मामले में क्वारसी थाने में तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसी पोस्ट को शेयर किया है जिससे कि नेताओं की छवि को धूमिल किया जा सके और जिले का माहौल खराब हो। जिसमें आरिफ जमान जैसे लोगों के खिलाफ FIR करने के लिए, इसमें आरिफ जमान ने एक ID शेयर की है जो ID का नाम है अब होगा न्याय। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के गृहमंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है, जो अमर्यादा टिप्पणी है। ऐसी टिप्पणी जिसे देखकर हम सभी कार्यकर्ताओं का मन आहत हुआ है और हम बहुत आक्रोशित हैं। हम प्रशासन से चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो भविष्य में आरवी जमान जैसे लोग ऐसी आईडी को शेयर ना कर सकें, और अब होगा न्याय जो फेसबुक आईडी है, ऐसी आईडी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो भविष्य में लोग ऐसी आईडी कभी ना बना सकें। हमने इसमें थाने में तहरीर दी है और इसकी शाम तक FIR हो जाएगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया गया है। खबर हरदोई से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को भले ही पीएम आवास दिलाए जाने का वादा कर रही हो, लेकिन आज भी बहुत से गरीब परिवार इस योजना से वंचित हैं, जो पुराने जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। बारिश से बचने के लिए इन परिवारों को पॉलिथीन का सहारा लेना पड़ता है। अहिरोरी विकास खंड के चठिया गाँव निवासी शिव बक्स पुत्र गुलाम भी आवास से वंचितों में से एक है। 65 वर्षीय शिव बक्स उम्र के आखिरी पड़ाव पर होने के कारण शिथिल हैं। परिवार में पत्नी की मृत्यु के पश्चात सदमे में जिंदगी जी रहे हैं। कई बार पत्नी और अपने नाम आवास के लिए ग्राम पंचायत प्रधान एवं सचिव को जरूरी कागज दिए हैं। आवास योजना लिस्ट में नाम भी आया पर आवास नहीं मिल सका। दर्जनों बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाबत ग्राम प्रधान आदि के द्वारा समझा बुझा कर मुझे शांत करा दिया जाता है। समस्या मेरी है, आवासीय समस्या मेन है। मेन समस्या ये है कि पहले तो हमको देखा जाए तो मेरे को सिलेंडर तक नहीं। कई 20 सालों से हम इनके साथ में रहे अपने प्रधान जी के, और वो बहकाते बहकाते अपना उल्लू सीधा करते करते और मेरे को आज तक उस घाट पे पहुंचा दिया कि सब कुछ आया, इंटरनेट पर भी आया, लेकिन अब वो मेरे को मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके सभी कर्मचारियों से, इस दास को
हैं, बताओ अब बूढ़ेपन में क्या हम अपना अकेला मकान बना सकते। हमने सोचा था गवर्नमेंट से बना देंगे, किसी के पॉकेट से, किसी से जेब से नहीं, और हमारा अधिकार होते भी मेरे को नहीं मिलने दिया जा रहा है। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद की अध्यक्षता में रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई, जहां बैठक में 800 करोड़ रुपए से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के होने वाले सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार की गई और रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कराया जाएगा। प्रदेश में रेलवे द्वारा प्रयागराज, कानपुर सहित अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण के लिए चयनित किया गया है। हमारे एडीएम साहब और सभी रेलवे के अधिकारियों के द्वारा आज हमने अलीगढ़ स्टेशन के बारे में सभी की बैठक बुलाई थी और बैठक हुई है रेलवे में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से रेलवे नंबर 3 हमारा रेलवे का चिन्हित हुआ है अलीगढ़ के का, नंबर 1 इलाहाबाद, नंबर 2 कानपुर और नंबर 3 अलीगढ़। इसके लिए मैं रेलवे के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अलीगढ़ का चिन्हित किया गया है और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर स्टेशन होगा, मॉल भी होगा, अतिथि कक्ष भी होंगे और एक सुंदरता का प्रतीक भी होगा। ये आज उसके तहत निरीक्षण हुआ और जो हरदोई में शाहबाद क्षेत्र के ठेहापुर गांव के पास कुत्ते को बचाने के चक्कर में टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को PHC लाया गया है, जहां से सभी को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में टेम्पू पलट गया जिसमें सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबल हयात नगर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी सराय तरीन के मोहल्ला नवादा निवासी नासिर अपनी बहन के घर मोहल्ला लाल की फूल बाग सराय तरीन गया था। वहां किसी बात को लेकर उसकी बहन का देवर से कहा सुनी हो गई थी। बहन से हो रहे झगड़े को देख उससे रहा नहीं गया और बीच में बोल पड़ा। आरोप है कि इस पर उसकी बहन के ससुराल वाले नासिर पर टूट पड़े और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बहन ने बताया कि भाई पर सरिये से हमला किया गया जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जहां से बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मेरा भाई मेरे घर होने गया था, हमने बोल दिया था देवर भावजो में झगड़ा पानी के ऊपर, बोले पानी भरने क्यों नहीं देगा, तो मेरा भैया बोला बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर, प्यार से बात कर ले तू। हाँ। तो बोला क्यों, तो इसे लेके सरिया उठाया उसके सिर में मार दिया। सरिया मार संभल में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद के नेतृत्व में आज मुरादाबाद रोड स्थित स्टेट बैंक के सामने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार और अपने मित्र उद्योगपति अडानी को बचाने के विरोध में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए शहर अध्यक्ष ने कहा कि देश की 125 करोड़ जनता की कीमत पर चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की मोदी सरकार की नीतियों को पूरा देश चिंतित है। मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह में LIC और SBI जैसी सरकारी संस्थाओं को अडानी समूह के घाटे में होने के बावजूद बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश पर विवश किया, जिसे भारत के निवेशकों में LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और SBI के 40 करोड़ खाता धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर प्रत्येक जिले में और शहर में पहले भी धरना कर चुकी है और अडानी ग्रुप के खिलाफ, उद्योगपति मित्रों के मतलब ये जेब भरने के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ हम धरने पर कांग्रेस पार्टी बैठी है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी है। आज पुनः ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक में
बैंकों के और LIC ऑफिस के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं और ये मांग करते हैं कि मोदी सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों की जेब भरना बंद करे, जनता की गाड़ी कमाई को अपने उद्योगपति मित्रों की जेबों में डालना बंद करे। एक तरफ अडानी ग्रुप उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।